दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि वन प्लस 11 के लिए एंड्रॉयड 14 का बीटा अपडेट आ चुका है। अब आप अपने मोबाइल पे एंड्रॉयड 14 का बीटा अपडेट इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने मोबाइल पे वन प्लस कम्युनिटी ऐप को इंस्टॉल करना है। इसके बाद जैसे ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में ही आता है लिखा हुआ वन प्लस 11 एंड्रॉयड 14 बीटा टेस्टर जो कि अवेलेबल है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसको इंस्टॉल करने के सारे तरीकों के बारे में बता गया है, क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या बग्स आपको देखने के मिलेंगे, सब कुछ बताया गया है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है। इसके बाद थोड़ा नीचे की ओर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंडिया का डाउनलोडिंग लिंक दिखाई देगा। चलिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे है इंडिया का डाउनलोडिंग लिंक, उसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, डाउनलोड एनी वे पे आपको क्लिक कर देना है और आगे बढ़ना है। ये जो अपडेट है वो पूरा 5.56 GB का आपको मिलेगा। तो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी और डाउनलोडिंग कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है। जैसे आपके मोबाइल का डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए 100%, आपको अपने मोबाइल का सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको अबाउट फोन वाले ऑप्शन पे जाना है और ऑक्सीजन ओएस वाले पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी 14 अपडेट कर लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से अपडेट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पर तीन डॉट पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में आपको जो अभी आपने डाउनलोड किया था वो आपको डाउनलोड फोल्डर में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको डाउनलोड फोल्डर को ढूंढकर चले जाना है। जैसे ही डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, देखिए 5.56 GB अभी यहाँ पे साइज बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये फाइल मिल जाएगा जीप फाइल, इसमें क्लिक करना है। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ जाता है, उसमें आपको क्लिक करना है। आपको बता दूं इस अपडेट से आपके मोबाइल का डाटा लॉस नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए अगर आपके मोबाइल पे कोई इंपॉर्टेंट डाटा है तो उसको पहले बैकअप ले लें, उसके बाद ही इस एक्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और एक्सट्रैक्टिंग कम्प्लीट होने के बाद आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है और इंस्टॉलिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। आपका मोबाइल इसी देर में रिबूट होके वापस ऑन हो जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे देखिए दिखाई देगा, ये इस तरह का नोटिफिकेशन मिलेगा कि दिखाया जा रहा है कि आपको एंड्रॉयड 14 का अपडेट दिया जा रहा है। इसमें आपको ओके करके आगे बढ़ जाना है और अपने मोबाइल का पैटर्न लॉक डालकर आगे बढ़ जाना है। तो अब आपका मोबाइल एंड्रॉयड 14 में अपडेट हो चुका है। चलिए दिखा देता हूँ, सेटिंग में जाएंगे, इसके बाद हम अबाउट फ़ोन में जाएंगे। यहाँ पे अबाउट फोन वाले में ऑक्सीजन ओएस वाले में क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑक्सीजन ओएस 13 एंड्रॉयड 14। जी हाँ, ये देखिए आपको दिखाई देता है। चलिए एंड्रॉयड वर्जन भी चेक कर लेते हैं। नीचे में जाएंगे, इस एंड्रॉयड वर्जन में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 14 शो करता है। और भी इस अपडेट में क्या क्या चेंजेस मोबाइल में हैं वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। इस अपडेट के बारे में फुल जानकारी देखने के लिए हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएँ।